मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सब बिल्कुल फिट एंड फाइन है? सब ने सारे अभी जो फेस्टिवल्स निकले हैं सबने बहुत एंजॉय किया, आई नो, बट अब हम वापस से अपनी पढ़ाई पर आ जाते हैं. ठीक, सो क्लास 7th हम पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. ठीक है, उसमें मैंने आपको बता दिया था कि स्टेप्स इन्वॉल्व इन एनिमल न्यूट्रिशन, 5 स्टेप्स में क्या होता है, न्यूट्रिशन कम्प्लीट होता है. वो 5 स्टेप्स कौन कौन सी हैं? इंजेशन, डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन. ये 5 स्टेप्स मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ. डाइजेशन जो है ह्यूमन में वो किस तरीके से होता है वो भी मैं आपको पूरा बता चुकी थी कि 5 प्रोसेस को कैरी करता हुआ फूड जो है वो एलिमेंट्री कनाल में कैसे एंटर होता है और कैसे वो बाहर निकलता है. ओके, अब फिर हम पढ़ रहे थे कि वॉट इज डायरिया. डायरिया क्या होता है? वेन वी कंज्यूम इनफेक्टेड फूड और अनक्लीन वॉटर वी मे सफर फ्रॉम वॉटरी स्टूल्स. दिस कंडीशन इज कॉल्ड डायरिया. इट रिजल्ट इन द लॉस ऑफ वॉटर एंड सम एसेंशियल सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी. दिस कंडीशन कैन बी डेल्ट विद बाय गिविंग द पेशेंट ORS, दैट इज ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन. ORS कैन बी मेड एट होम बाय मिक्सिंग सम सॉल्ट एंड शुगर इन द वॉटर. बेसिकली जो हमारा पेट खराब हो जाता है, उल्टी दस्त जो हमें होते हैं, वो है ये डायरिया. ठीक है, क्या होता है उसमें कि अगर हम कोई गंदा खाना या फिर जो खाना हमने 2-3 दिन रखा हो, सड़ गया हो, वो खा लेते हैं, तो हम क्या हो जाता है, हमारे जो शरीर है उसमें वॉटरी स्टूल्स बन जाते हैं. और वो कंडीशन, जब वो वॉटरी स्टूल्स बाहर निकलते हैं, वो कंडीशन क्या कहलाती है? डायरिया कहलाती है. इसको हम क्योर कर सकते हैं किससे? ORS सॉल्यूशन दे करके. ORS रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन क्या होता है? जिसके अंदर कुछ सॉल्ट, कुछ शुगर और वाटर होती है. इनको हम घर पे भी बना सकते हैं और बाहर में पैकेट्स मिलते हैं, उससे भी हम डायरिया जो है उसको जो है हम उसको क्योर कर सकते हैं. ओके चिल्ड्रन, नाउ एनिमल में हमने न्यूट्रिशन पढ़ लिया, तो एनिमल में हमने ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन पढ़ लिया था. अब जो रूमिनेंट्स होते हैं, रूमिनेंट्स कौन होते हैं, उनको हम पढ़ेंगे कि रूमिनेंट्स में जो न्यूट्रिशन है वो कैसा होता है. ओके, काउ एंड सम ग्रास ईटिंग एनिमल्स कैन स्वेलो लार्ज अमाउंट ऑफ फूड एट अ टाइम एंड लेटर ब्रिंग बैक द स्वेलोड फूड इन टू द माउथ टू च्यू इट अगेन. दिस प्रोसेस ऑफ चूइंग द कर्ड इज कॉल्ड रूमिनेशन एंड सच एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स. हमने देखा होगा, देखो हम बाहर जाते हैं तो गाय वगैरह देखते हैं हम, तो क्या देखते हैं हम? दिन भर चरती रहती हैं गाय, है ना, और इतना सादा अपने खाना वो बॉडी के अंदर स्वेलो कर लेती हैं. फिर जब वो फ्री टाइम में बैठती हैं तो वो खाना वापस अपने पेट में से बाहर, अपने जहां वो उन्होंने स्टोर कर रखा होता है, वापस अपने माउथ में लेकर आती है और फिर उसको धीरे धीरे चबाती हैं. तो कुछ काउस, मतलब जो काउस हैं, और कुछ ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो घास वगैरह खाते हैं, तो वो एनिमल्स क्या करते हैं, एक साथ बहुत सारा खाना खा लेते हैं और फिर वापस उसको स्वेलोड फूड को लेकर के आते हैं अपने, जिसको हम जुगाली भी बोलते हैं हिंदी में, है ना, तो वापस लेकर आते हैं और फिर धीरे धीरे उस खाने को चबाते हैं. इस प्रोसेस को, जो कर्ड जो बन जाता है, उस जो इतना सारा जो उनका कहीं पे वो स्टोर कर लेते हैं, उस सारे फूड को क्या कहते हैं? कर्ड. तो च्यूइंग द कर्ड, जो वो वापस निंगाल करके और वापस उसको धीरे धीरे चबाते हैं या च्यू करते हैं, उसको कहते हैं रूमिनेशन. और ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं क्या? रूमिनेंट्स. ओके चिल्ड्रन, ग्रास क्या होती है? रिच इन सेल्यूलोज होती है. अब कार्बोहाइड्रेट, सेल्यूलोज क्या है? एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है, विच मैनी अदर एनिमल्स एंड ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट. और ये जो सेल्यूलोज है, ये एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो कि हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते. कभी भी किसी इंसान को घास खाते हुए देखा है क्या? नहीं देखा. क्यों? क्योंकि जो घास होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है. वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? सेल्यूलोज है, और वो हम नहीं पचा सकते हैं. बट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स, और सिर्फ उसको कौन पचा सकता है? काउज और सम ग्रास ईटिंग एनिमल्स, जिनको हम क्या कहते हैं? रूमिनेंट्स कहते हैं. तो वो जो रूमिनेंट्स है, सिर्फ वो ही इस सेल्यूलोज को पचा सकते हैं, इसलिए सिर्फ वो ही खा सकते हैं, हम नहीं खा सकते हैं. लेट अस स्टडी द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स. वो ही 5 प्रोसेस इन्वॉल्व होंगी रूमिनेंट्स में भी, है ना, कि एब्जॉर्प्शन और क्या बोलते हैं, डाइजेशन, इंजेशन, वो किस तरीके से होगा वो हम देखते हैं. द एनिमल्स टेक इन फूड सच एज ग्रास इन टू द माउथ, चू इट एंड मिक्स इट विथ सलाइवा. यस,
एनिमल्स क्या करेंगे, काऊ घास को खाएगी, ठीक है, फिर माउथ के अंदर उसको च्यू करेगी और सलाइवा के साथ मिक्स करेगी। दे हैव बिग च्यूइंग टीथ विथ पावरफुल जॉज मसल्स टू च्यू द ग्रास अगेन एंड अगेन। उनके पास बहुत पावरफुल टीथ होते हैं जिससे वो घास को बार बार च्यू काट सकती है और खाने की कोशिश कर सकती है। द च्यूड फूड पासिस थ्रू द ईसोफेगस इन टू द स्टमक, वही फूड पाइप के थ्रू वो कहाँ पहुंचेगा, स्टमक में पहुंचेगा। डाइजेशन ऑफ च्यूड फूड टेक्स प्लेस इन स्टमक, स्टमक में डाइजेशन होगा। जो स्टमक में डाइजेशन होगा वो चार चैम्बर से होता हुआ होगा, ठीक है। वो चार चैम्बर्स क्या क्या होते हैं, रूमेन, रेटिकुलम, ओमासम और एबोमासम। तो पहला क्या है, रूमेन। इट इज द फर्स्ट एंड लार्जेस्ट चैम्बर विच इज स्टोर्ड लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड दैट इज क्विकली कंज्यूम। द फूड इज पार्शली डाइजेस्टेड हियर, इट इज कॉल्ड द कड। हाफ डाइजेस्ट होता है रूमेन में। सेल्यूलोज इज डाइजेस्टेड इन द रूमेन बाय बिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज प्रेजेंट इन इट। अब ये देखो, ये गाय का ईसोफेगस है, इस ईसोफेगस से कहां गया खाना, रूमेन में। ओके, यहां पे जो रूमेन है वो पार्शियली डाइजेस्ट होगा, मतलब पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होगा, पार्शियली डाइजेस्ट होगा। और यहां जो डाइजेस्ट वो करता है, यहां पे बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया, बिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ओके, सेकेंड चैम्बर क्या है हमारा, रेटिकुलम। देखो अब रेटिकुलम कहां है, रूमेन गया गया, ठीक है। अब हमारा रेटिकुलम ये रहा, ओके चिल्ड्रन, ये देखो यहाँ पर ये क्या है, हमारा रेटिकुलम है। रेटिकुलम क्या होता है, सेकंड चैम्बर है इनटू विच फूड एंटर्स फ्रॉम द रूमन। रूमन से फूड कहाँ एंटर होता है, रेटिकुलम में। द कंटेंट्स ऑफ बोथ रूमन एंड रेटिकुलम मिक्स फ्रीली, द कर्ड इज ब्रॉट बैक टू द माउथ एंड इज रीच्यूड एंड रीच सॉलिड। यहाँ पे पहुंच जाता है, फिर वो जो वो होता है वो वापस काऊ क्या ले लेती है, अपने पास ले लेती है, जुगाली कर लेती है, ठीक है, वापस अपने माउथ में ले लेती है। फिर क्या आता है, ओमासम। जब माउथ में लेती है तो थर्ड चैम्बर क्या है उसका, ओमासम। यहाँ पे क्या होता है, फिर थर्ड चैम्बर ऑफ द स्टमक इनटू विच फूड पासेस आफ्टर चूइंग, जुगाली लेकर के वापस से जो फूड है वो कहाँ एंटर होता है, ओमासम में एंटर होता है। एक्सेस ऑफ वॉटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द फूड हियर, यहाँ पे जो पानी होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। लास्ट चैम्बर है एबोमासम, ये है हमारा लास्ट चैम्बर, दैट इज एबोमासम। ओके, यहाँ क्या होता है, यहाँ पर ओमासम से फूड पास होता है। द वॉल्स ऑफ द ओमासम एबोमासम सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस दैट हेल्प्स इन द डाइजेशन। और हमने पढ़ा था कि डाइजेशन में कौन हेल्प करता है, डाइजेस्टिव जूसेस हेल्प करते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये जो एबोमासम है इसके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होते हैं जो कि खाना पचाने में काऊ की हेल्प करते हैं। उसके बाद क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन। ऑल्दो द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन बिगिन इन द स्टमक इटसेल्फ, द मेन एब्जॉर्प्टिव ऑर्गन इज इंटेस्टाइन। द डाइजेस्टेड फूड पासेस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सीक्रेशन फ्रॉम द पैनक्रियास एंड लिवर एंड डाइजेशन ऑफ द फूड एंड्स हियर। विली प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इंक्रीज द सर्फेस एरिया फॉर एब्सॉर्प्शन। ओके चिल्ड्रन, वो सेम प्रोसेस है जो ह्यूमन्स में होता है। फिर उसके बाद एमोमासम से एब्सॉर्प्शन के लिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पर खाना जो होता है वो पास होने लगता है। वॉटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब इन द लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में जो है वो वॉटर एब्जॉर्ब हो जाती है और अनडाइजेस्टेड फूड है वो फीसेस के थ्रू इजेशन की प्रोसेस से बाहर निकल जाता है। ओके चिल्ड्रन, तो जिस तरीके से ह्यूमन्स में हमारा पूरा कंप्लीट होता है न्यूट्रिशन, उसी तरीके से एनिमल्स में, रूमिनेंट्स में भी प्रोसेस कंप्लीट होती है। बस यहाँ डाइजेस्टिव जो सिस्टम है, डाइजेशन जहाँ होता है वो चार चैम्बर्स में कंप्लीट होता है। वो चार चैम्बर्स कौन कौन से हैं हमारे, रूमन, रेटिकुलम, ओमासम और एबोमासम, ठीक है। और इसको आपको बार बार रीडिंग करनी है। नाउ दिस इज टाइम टू आंसर, इसको आपको आंसर करना है। ओके चिल्ड्रन, और ये जो की टर्म्स हैं ये आपको आपकी नोटबुक में नोटेड डाउन करना है। सो नाउ फाइनली योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। बाकी ये एक्सरसाइज है, ये आपको फाइंड आउट करना है, रीड द चैप्टर, फाइंड आउट द एक्सरसाइज, देन आई विल वंस अगेन मैं एक बार बताऊंगी कि कहाँ कहाँ आप गलत हैं और कहाँ कहाँ आप सही हैं। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।